क्या आप भी व्रत में साबूदाना खिचड़ी या फिर वड़ा खा के बोर हो चुके हैं? और मिनटों में कुछ मजेदार नाश्ता जो आप व्रत में आसानी से बना सके, वो भी कम तेल में। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, आप ही के लिए है। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बैटर कैसे बनाते हैं वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, और कुछ मीठा भी मैं आपके लिए लाई हूँ जो आप व्रत में बड़ी आसानी से बना के खा सकते हैं। साथ ही बस मिनटों में बनने वाली व्रत की ये हरी चटनी की रेसिपी अलग तरीके से। तो बिना देर किए हम रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। व्रत का ये स्पंजी या फिर सेट डोसा बनाने के लिए एक कप समा के चावल को पहले से अच्छे से साफ कर ले। जैसे कि नॉर्मली चावल से कंकड़ वगैरह कुछ हो निकाल लेते हैं उस तरह से, और फिर इस बोल में मैंने डाल दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप साबूदाना। तो ये मेजरमेंट आप ध्यान में रखें, एक कप समा के चावल के साथ 1/4 कप साबूदाना, ये मेजरमेंट परफेक्ट है। तो इसे पानी से हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा कचरा वगैरह है वो भी निकल जाएगा। और जो समा के चावल है ना, उसमें से एक अलग तरह की स्मेल आती है, आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा। तो पानी से अच्छे से धोने के बाद ना वो स्मेल निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले ही भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे तक। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। रात भर अगर आप इसे भिगो के रखेंगे ना, तो ये जो डोसा बनाएंगे काफ़ी जालीदार और सॉफ्ट बनेगा। तो बिना यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी डाले हमें इसे मिक्सी के जार में डाल के ब्लेंड करना है। तो मैंने अलग से अब पानी नहीं डाला है, जब हमने इसे भिगोया था तब इसमें जो पानी अब बचा है वही इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो ये सभी यहाँ पे साबूदाना, और आप देख सकते हैं बगर अब अच्छे से भीग चुका है। एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं डाले, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, नहीं तो बैटर पतला बन जाएगा। इसके साथ हम डाल देंगे ये कच्चा आलू, छिलके निकाल के टुकड़े करके। साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है मैंने, और ये आधा छोटी चम्मच जीरा। इन सभी को अब हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्मूथ पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरह से रखनी है, तो ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतली, तभी हमारा डोसा है जो काफ़ी जालीदार बनेगा। और अब हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि इवनली आप इसे स्प्रेड कर पाएंगे जब आप डोसा बनाएंगे। और इसका जो बैटर है ना, आप इस तरह से छान के अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनेगा, सेट भी होगा। तो ये वाला जो टिप है आप ध्यान में रखें। और अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और अब बनाते हैं हम इस व्रत के साथ ये 2 मिनटों में बनने वाली हरी चटनी। तो यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली डाला मैंने आधा कप, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च ले लेंगे, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। साथ ही यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा डाला मैंने, और फिर डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच दही, यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा चीनी डाल के इसका टेस्ट बैलेंस करेंगे। तो जो भी चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो इसमें ना डालें, और अगर आप खाते हैं तो इस तरह से मैंने जो भी बताया है डाल के इसे पीस लें। तो यहाँ पे ये एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इस तरह से आप एक बार ये चटनी ज़रूर बनाएं, इस स्पंजी डोसे के साथ परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम बनाते हैं मिनटों में कुछ डेजर्ट जो आप व्रत में आसानी से खा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली घर में हमारे काजू बादाम पिस्ता अगर है तो उसी से बनाएंगे। बस 1 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो देंगे, और 1 घंटे बाद इसका छिलका निकाल के हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे ढक देती हूँ। अब मैंने इसके जो है छिलके वगैरह निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप डेजर्ट बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिनटों में बनेगा, साथ में ये जो ड्राई फ्रूट्स है और दूध, इससे आपको काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी, काफ़ी हेल्दी है ये। दूध या फिर पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो और अब मैं इसे निकालती हूँ एक बोल में, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे दूध को ना मैंने पहले से उबाल के ठंडा कर लिया है, अब हम इस बोल में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप चीनी, जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डालें। और इसमें ये डालूंगी मैं कट करके एक बनाना, साथ में इलायची का पाउडर, इसे एक बार मिक्स कर दें। तो ये हो गया हमारा व्रत में खाने वाला हेल्दी सा डेजर्ट। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर व्रत में कुछ मीठा भी खाना चाहते हैं ना, तो ये परफेक्ट है। इसे साइड में रख देंगे, और अब चलते हैं डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस बैटर में पहले डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही यहाँ पे आप डाल देंगे इनो का
सॉल्ट, या फिर आप जो कुकिंग सोडा होता है वो भी डाल सकते हैं। अब इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करें, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालें। हल्का सा यहाँ पे मिक्स करने के बाद तवे को या फिर पैन को तेल से ग्रीस कर दें और फिर ये बैटर इस तरह से डालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने डाल के अब ऐसे फैला दिया है इवनली। तो यहाँ पे ये जो पैन है ना, ये नॉन स्टिक है, तो इसमें ये डोसा काफ़ी अच्छे से बनेगा, इसलिए मैंने ये पैन लिया है। आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पे इसे पेशेंट के साथ पका लेंगे और फिर इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है ना, और इस पे जाली भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट भी है, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। साथ ही घर पे सभी चीज़ें होती है हमारे, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें मार्केट से नहीं लाना है। तो दोनों साइड से हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे और आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से सभी ये सेट डोसा हमारे बना लेंगे। तो ये हमारा मिनटों में बनने वाला, कम मेहनत में घर की चीज़ों से बना हुआ स्पंजी सॉफ्ट डोसा बनकर तैयार है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, इसके ऊपर ये देखिए जाली काफ़ी अच्छे से आई है, अभी भी सॉफ्ट है। आप इसे इस तरह से मरोड़ के देखेंगे ना तो ये ऐसे ही सेट रहेगा, क्योंकि इसे सेट डोसा ही कहते हैं। और जब मैंने इसे हाथों में, यहाँ पे बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है, ये दिखाती हूँ आपको, ना ही इन डोसों पे। तो ले चलते इसे सर्विंग के लिए। यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, इसके साथ हम रख देंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट, ये चटपटी सी चटनी और ये व्रत का अचार। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे चिप्स रख दिए हैं मैंने, और ये हमने बना लिया है मज़ेदार व्रत का नाश्ता, क्या थाली ही बना ली है हमने। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके परिवार को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। व्रत में बनने वाली और भी रेसिपीज मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर चेक करें। इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।